दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे ग्लेशियर के बारे में सुना है जिसमें से पिछले कई सालों में खून जैसा पानी बहता है, या फिर एक ऐसी चट्टान के बारे में जो कि हवा के प्रेशर से दो हिस्सों में सीधी रेखा में कट गई हो, या फिर एक ऐसी झील के बारे में जो कि गर्मियों के वक्त 200 अलग अलग छोटी गोल आकार की झीलों में बट जाती हो। तो यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अजीब फिनोमिनन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, ओसुंगेट माउंटेन। फ्रेंड्स, ओसुंगेट माउंटेन को रेनबो माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस पर्वत पर खड़े होके इसे देखेंगे तो आपको ये बस आम सा पहाड़ लगेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो आपको दुनिया भर के सारे रंग इस पहाड़ पर दिख जाएंगे, जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि ये पहाड़ किसी और दुनिया का है। इसे देखने दुनिया भर के लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं। कई सालों तक इस पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि ये सब केमिस्ट्री का कमाल है। दरअसल इस पहाड़ में आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन भरपूर मात्रा में पाया गया, जिसमें आयरन ऑक्साइड से लाल रंग और क्लोरीन से कुछ अलग अलग रंग यहाँ बनते दिखाई देते हैं। तो अगर आप कभी इस जगह पर जाएं, तो आप इसे सिर्फ एक पहाड़ ना माने बल्कि कई लाखों सालों में हुआ एक प्रकृति का करिश्मा माने जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। नंबर 2, ब्लड फॉल्स। दोस्तों, 1911 में एंटार्क्टिका में एक बेहद अजीब चीज वैज्ञानिकों को मिली, एक ऐसा ग्लेशियर जिसमें खून जैसा पानी बाहर निकलता है, जिस वजह से इसे ब्लड फॉल्स का नाम दिया गया। और वैज्ञानिक आज भी ये नहीं समझ पाए कि ये आखिर है क्या। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्लेशियर से निकलने वाले पानी में एक अलग तरह की काई है जिससे ये पानी लाल रंग का निकलता है, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से इस थ्योरी को नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ अन्य वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्लेशियर के नीचे एक खारे पानी की झील है और इसी झील में लोहे के अटूट भंडार है, और जब वो पानी लोहे से टकरा कर निकलता है तो लोहे पर लगे हुए जंग की वजह से ये लाल हो जाता है। इस थ्योरी पर अभी काम चल रहा है। इसके अलावा सोचने वाली बात यहाँ ये भी है कि इतने बड़े एंटार्क्टिका में सिर्फ इसी ग्लेशियर पर ऐसा क्यों होता है, कहीं और ऐसा क्यों नहीं हो सकता। नंबर 3, अल नेस्ला रॉक। अब अगली चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी माहिर कलाकार ने इसे बनाया हो, लेकिन सब प्रकृति का कमाल है। इस चट्टान को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे बीच में से किसी लेजर लाइट ने काटा हो, लेकिन ये 100% नेचुरल है। इतनी बड़ी चट्टान पर कई जगह कलाकारी भी करी गई है, लेकिन किसी इंसान के द्वारा इसे काटे जाना लगभग नामुमकिन है। तो ये हुआ कैसे? वैज्ञानिक मानते हैं कि इस चट्टान की शेप कुछ इस तरह की है जिससे ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हवा को रोकती है, और हवा के दबाव की वजह से ये चट्टान दो हिस्सों में बट गई। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि उस हवा में कितना दबाव होगा जिसने इस चट्टान को भी काट दिया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पुराने जमाने के लोग आज से भी कई ज्यादा एडवांस थे और उन्होंने ही इसे लेजर से बीचों बीच काटा होगा। लेकिन ये सब थ्योरीज हैं, सच क्या है ये कोई भी नहीं जानता। नंबर 4, कैनेडियन लेक। प्रकृति का एक और चमत्कार जिसने हर किसी को चौंका के रख दिया है वो है एक लेक। सर्दियों के समय ये लेक भी आम लेक्स की तरह ही दिखती है, इसमें कुछ खास नहीं होता, लेकिन गर्मियों का समय आते आते ये झील अपना जादू दिखाना शुरू कर देती है। दरअसल इस बड़ी सी झील में अनेक छोटे छोटे पूल्स बनने लग जाते हैं, जिस वजह से इस झील के ऊपर हरे, नीले और पीले रंग के धब्बे दिखने लगते हैं, और इसी वजह से इसका नाम द स्पॉटेड लेक पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिक का मानना है कि इस झील के पानी में कुछ खास तरह के मिनरल्स मौजूद हैं, जिस वजह से अनेक छोटे छोटे पूल्स इस झील में बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोकल लोग इसे एक सीक्रेट साइट मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। वो ये भी मानते हैं कि झील में हर पूल का पानी एक अलग तरह की खूबी रखता है, जैसे कई पूल्स का पानी दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस झील में 365 पूल्स हर गर्मी में बन जाते हैं, ये वाकई कमाल है। नंबर 5, द नामीबियन सर्कल्स। ऊपर से दिखने पर आपको ये छोटे छोटे गड्ढे लग सकते हैं, लेकिन असल में ये है क्या, ये तो आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता पाया है। लोकल लोग मानते हैं कि ये भगवान के पैरों के निशान हैं, लेकिन वो तो बस एक मान्यता है। इन सर्कल्स की चौड़ाई
10 से 60 फीट तक की है और ये सर्कल्स लगभग 1000 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ अटक जाती है कि ये सर्कल्स ही क्यों, कोई और शेप क्यों नहीं, इस बात का पता नहीं लगाया जा सका। क्या आप बता सकते हैं कि ये हुआ क्या है? नंबर 6, नागा फायरबॉल्स। अब जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो इस वीडियो का सबसे खतरनाक और रहस्यमय टॉपिक है। साल के अक्टूबर महीने में मैकोंग नदी के ऊपर आग जलती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्यों, पीने वाले पानी पर आग कैसे लग सकती है? यहाँ रहने वाले लोकल लोग मानते हैं कि ये उनके भगवान नागा के सांसों से निकलने वाली आग है, जिसकी वजह से इसका नाम नागा फायरबॉल्स पड़ा। लेकिन वैज्ञानिकों का एक ये अनुमान है कि इस नदी से जल्दी आग पकड़ने वाली फॉस्फीन गैस निकलती है, जो कि निकलते ही आग पकड़ लेती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही क्यों, और वैज्ञानिकों को अभी फॉस्फीन गैस निकलने का कोई सोर्स भी नहीं मिला है। लेकिन मजे वाली बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोग अब इसे एक त्योहार के रूप में मनाने लगे हैं। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और इसे बड़े चाव से देखते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हम ऐसी हैरतअंगेज वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।